दोस्तों, टाटा एरियर को क्रैश टेस्ट में लाने से पहले ग्लोबल एनकैप वालों के दिमाग में ये तस्वीरें आई है। फिर ये सोचते हैं जितने बजट में हम एक हैरियर या सफारी का क्रैश टेस्ट करेंगे उतने में तो मारुति की 5 गाड़ियां मंगाकर टेस्ट कर देंगे, और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम 5 स्टार 5ों में बांटेंगे तो भी 1 या 2 स्टार बच ही जाएंगे, वो हुंडई और किया में लगा देंगे। फिर किसी तरह से हिम्मत करके ग्लोबल एनकैप वालों ने सफारी को क्रैश टेस्ट के लिए मंगा ही लिया, और 64 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जब गाड़ी को बैरियर से टकराया गया तो पुर्जे अलग हो गए, गाड़ी के नहीं क्रैश बैरियर के। ये सब देखते हुए ग्लोबल एनकैप वाले काफी परेशान हुए। उन्होंने टाटा से बोला, फिलहाल तो आप अपनी गाड़ी और 5 स्टार रेटिंग लेते जाइए, हम जल्द ही अपने क्रैश बैरियर को 10 स्टार रेटिंग लायक बनाएंगे, फिर आप आइएगा तोड़ने। इतना होने के बाद उम्मीद है अगली बार ग्लोबल एनकैप वाले टाटा स्टील से लोहा लेकर क्रैश बैरियर बनवाएंगे।